देखो जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना, तीन क्वेश्चन खुद से अपने आप से पूछना या अपने कॉपी पे लिख लेना। सबसे पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर, ठीक है? सबसे पहला मीनिंग ऑफ द चैप्टर, चलो यहीं पे मैं करके दिखा रहा हूं। मैंने डस्टर यहां पे रखा बेटा, तो लेट अस सपोज डस्टर हमारा इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या दो दिन बाद डस्टर थोड़ा बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? ठीक है, और जब हम स्पेस ऑक्यूपाई की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं किस टर्म की बात कर रहा हूं? They have the irregular shape. उनका shape क्या होगा आपका? Irregular होगा. They have the short range order. जैसे आपके क्रिस्टलाइन में क्या था? Regular order arrangement था. यहाँ पे regularly order arrangement नहीं मिलेगा. ये देखो, इस पे questions आते हैं आज की क्या clean cleavage हुआ? देखो surface क्या बेटा? इसका बेटा कुछ मीठा हो जाए. चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर बेटा, सॉलिड स्टेट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हो सकता है ये चैप्टर शायद डिलीट हो जाए, तो डोंट वरी, जहाँ से डिलीट होगा ठीक है, मैं रोज उस चेक कर रहा हूँ कि अगर शायद सीबीएसई का जिस दिन गाइडलाइन होगा उसी दिन मैं इस सिलेबस को, सॉरी इस चैप्टर को रोक के नेक्स्ट चैप्टर सोल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? चलो, बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर सॉलिड स्टेट, सिंस इट इज़ अ क्लास ऑफ केमिस्ट्री, वी ऑल वेरी वेल नो दैट कि केमिस्ट्री की क्लास है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं, तो सिमिलरली लाइक आई टोल्ड यू इन द क्लास 11, चूंकि वहाँ पे 20 सेशन में मैं आया था, वहीं बैठ जाना ठीक है। तो सिमिलरली इन द सेम वे बेटा कि अब डोर बंद कर दो, डोर बंद करो वहीं से, ठीक है? चलो बताइए बेटा, केमिस्ट्री का डेफिनेशन, ये बहुत बड़ा वर्ड हमने कहा, सोच क्या है इस पे? नहीं नहीं हो गया, जीत गए जैसे लग रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बताइए बेटा प्लीज डिफाइन। देखो आपको पता है फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स यू नो वेरी वेल हाउ कैन वी डिफाइन द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जस्ट ओनली 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद हम अपने चैप्टर पे आएंगे, इतना टाइम नहीं है अभी अपने पास। बताइए कुछ तो जानते होगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा यहाँ की क्लास के लोग बहुत ज़्यादा कुछ जानते हैं। बताओ आप, बताइए बेटा कुछ तो ट्राई कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं केमिस्ट्री पहली बार सुन रहे हो? नहीं, फिर तो कुछ जानते ही होगे। बताइए यू से, हाँ आप बताएं बेटा, आप बताइए, केमिस्ट्री का डेफिनेशन नहीं पता? ठीक है, देखो आई नेवर से कि कोई स्टूडेंट गलत बताता है, ठीक है, बस आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि गलत हो, ठीक है? आप बताएं बेटा, सही है, ठीक है, गलत थोड़ी ना है, हो सक, जो आप बता रहे हो इट्स नॉट इनकरेक्ट। क्या केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते तो हैं, ऑफकोर्स एक्चुअली देखा जाए तो वही तो पढ़ते हैं हम, बस उसी को थोड़ा सा डेफिनेशन, देखो बेटा डेफिनेशन और टर्म्स कुछ इस तरीके से क्लियर होना चाहिए कि जो आप अगर उस सब्जेक्ट उस बैकग्राउंड का कोई नॉन रिलेटेड टू दैट बैकग्राउंड पर्सन है उसको भी वो समझ में आ जाए। चलो विदाउट टाइम वेस्ट के आप बताएंगे बेटा, इसको कहते हैं ना नो कॉन्फिडेंस मोशन। चलिए तो करते हैं, देखो सिंपल सा डेफिनेशन बेटा, देखो क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सॉलिड स्टेट, स्टेट से ही बात हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है? देखो क्या है कि जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखें, इट इज प्रेजेंट इन द इधर सॉलिड लिक्विड या तो गैस, ये किससे मिलकर बना बेटा? जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देख लो, बेंच में बैठे हो तो आप सॉलिड है, एयर क्लास में ठीक है, वाटर बॉटल ये हो गए तो वाटर दैट इज ए लिक्विड स्टेट, तो कोई भी मैटर बेटा ये तीन स्टेट में ही पाया जाएगा, अभी दो को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? बोस आइंस्टीन और लिक्विड कंडेंसेट जो आप पढ़े हो गया, प्लाज्मा जो आप पढ़े हो गया, ठीक है? सॉलिड लिक्विड या गैस, तो तीनों ही चीज में बेटा एक चीज तो कॉमन है, तीनों हमारा किससे मिलकर बने हैं? तीनों ही हमारे किस चीज से मिलकर बने बेटा? पार्टिकल से मिलकर बने हैं, ठीक है? देखो ऐसा डेफिनेशन बताएंगे जो आपको, मतलब मैंने कुछ ऐसा नहीं कि मैं बुक से बताने जा रहा हूँ, एंड यू ऑल विल एग्री विद दिस ऑल्सो। चलो ये बताओ क्या इस दो पार्टिकल्स के बीच में बेटा कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? ठीक है, ऑफकोर्स। ये बताइए क्या पार्टिकल्स के बीच में क्या कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा? ऑफकोर्स। ये जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? ऑफ कोर्स केमिस्ट्री में। और ये क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री हमारा साइंस का एक ब्रांच है? बस इसी चीज को चलो असेंबल कर देते हैं अच्छे वे में कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द मैटर सॉलिड स्टेट, ठीक है? इन विच वी डील अबाउट द मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। व्हेन डू आई से दैट कॉम्पोजिशन, इट डज मीन पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो अब हम पार्टिकल की स्टडी करेंगे, अगर सॉलिड है तो उसके अंदर कौन सा पार्टिकल है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, ठीक है? कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट है कि नहीं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, इन सब चीजों को कहां पढ़ने जा रहे हैं? इतना मत पढ़ो, 5 बजे पार्थ एकेडमी में केमिस्ट्री की क्लास में, ठीक है? तो यही हम लोग, ये केमिस्ट्री का हमारे डेफिनेशन है, सिर्फ दो लाइन कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द मैटर एंड इट्स कंपोजिशन,
ठीक है, तो किसी को भी बताओगे जो थोड़ा सा सिंसियर है वो समझ जाएगा, ठीक है। सिंसियर तुम्हारे लिए ही हम बोले हैं, तुम कहाँ उधर उधर देख रहे हो, हम नहीं साइलेंट किए, तुम साइलेंट कर रहे हो। चलिए बेटा ठीक है, तो चलो अब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको पता होगा पहले से। चलो तो अब सबसे पहले डिफाइन करते हैं। अच्छा देखो, जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना, तीन क्वेश्चन खुद से अपने आप से पूछ लेना या अपनी कॉपी पे लिख लेना। सबसे पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सबसे पहला मीनिंग ऑफ द चैप्टर, देखो मैं जब भी मीनिंग ऑफ द चैप्टर की बात कह रहा हूँ तो आई डोंट मीन टू से दैट कि आप पहले पिछले क्लासेस का पढ़िए, आई डोंट मीन दैट। आप मेरे कहने का सिर्फ या ये हमारे कहने का मतलब नहीं है कि आपके पास एनसीईआरटी हो या कोई टेक्स्ट बुक रखे हो या कोई रेफरेंस बुक रखे हो तो उससे पढ़ो, ये भी नहीं। जो आप पिछले क्लासेस में पढ़े हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो। तो बताए बेटा सॉलिड स्टेट चैप्टर का मीनिंग क्या, समझ पा रहे हो चैप्टर के बारे में सॉलिड स्टेट, कोई भी बताए। देखो पूरा नाम तो अब क्लियर बेटा, सॉलिड एक मैटर का स्टेट है। हो सकता है हम इस चैप्टर में इसी के प्रॉपर्टीज़, इसमें क्या प्रॉपर्टीज़, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, क्या अलग अलग क्लासिफिकेशन है, क्या अलग अलग उनकी कैटेगराइजेशन है, कैसे उसमें इम्प्यूरिटीज़ आ सकती हैं, इन सब चीज़ें और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड टू रीड दिस चैप्टर या अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। देखो हम सबका कुछ ना कुछ एक गोल होता है, पढ़ रहे हैं तो पता है कि ट्वेल्थ पढ़ेंगे तभी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तभी कहीं कोई जॉब लेंगे या कुछ जो भी हम काम करना चाह रहे हैं। तो चैप्टर दिया है तो कुछ ना कुछ तो उसका इंपॉर्टेंस होगा, कुछ ना कुछ उसका फिजिकल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होगा। तो सिमिलरली आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन कि क्या है इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। चलो हो सकता है आपको ना पता हो, मैं ही बताता हूँ। देखो बेटा अगर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन कहूँ कि इवन फ्रॉम द क्लास एलकेजी और नर्सरी ऑनवर्ड्स वी आर हैव बीन प्रोवाइडेड विद द रबर, ठीक है, जिससे हम इरेज करते हैं ना, ठीक है। एंड क्लास नाइन्थ से या क्लास सेवन सिक्स से हम जानते हैं बेटा कि सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा स्टेट है मैटर का विच कैन नॉट बी कंप्रेसिबल, पढ़े। बट सॉलिड तो कंप्रेस, वो रबर तो कंप्रेस हो रहा है, तो बताओ उसको सॉलिड कहें कि लिक्विड कहें या गैस कहें, हम कन्फ्यूजन राइज होता है, ठीक है। ऐसे कई सब्सटेंसेज हैं बेटा हमारे आसपास, ठीक है। वी आर सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ सच सब्सटेंसेज इन विच वी समटाइम्स वी फील कन्फ्यूजन टू डिस्क्राइब वेदर इट्स अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा अगर सॉलिड नहीं है तो फिर उनकी प्रॉपर्टी क्या है? एक्चुअली वो सॉलिड ही है, बट उनकी कह सकते हैं कि वो सॉलिड का एक अलग कैटेगराइजेशन है। तो अब जब अलग कैटेगराइजेशन है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी बहुत अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से इन सब चीज़ों को जानने के लिए ही हमको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? थर्ड वन, पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में, ये चैप्टर ये बहुत एकदम देखो बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं दो तीन जगहों पे पढ़ा के देख चुका, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे देखने को नहीं मिलता। देखो पढ़ना क्या क्या, पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही क्लास में बता दिया कि चैप्टर्स क्या क्या पढ़ना है आपको। जब मैंने उसी दिन इसका चीज़ का एग्जांपल दिया था, अक्टूबर में मुझे जाना है, मान लो लेट अस सपोज केवीएस का इंटरव्यू देने जाने, अभी से मैं डिसाइड कर लिया हूँ कि मुझे 7 चैप्टर्स तो पढ़ा करके ही जाना है, ठीक है। और इसलिए मैं आज से ही एकदम तेज उसी फ्लो में कंटिन्यूअस क्लास को ले चलूंगा। तो अगर आपको पता रहेगा कि यार इसमें तो 15 टॉपिक्स पढ़ने हैं, तुरंत आप गिनने लगोगे यार एक हफ्ते हो गया अभी तक हम लोग 5वें टॉपिक पे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल स्विच योर गियर। चलो तो बात करते हैं बेटा इसमें पढ़ना क्या क्या। सबसे पहला सॉलिड है क्या, ये डेफिनेशन हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसके बाद किस बेस्ड अपॉन दैट हम किस सब्सटेंस को सॉलिड कह सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे, गॉट इट। नेक्स्ट उसके बाद दो अलग अलग टाइप से बेटा आपके क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, उसको पढ़ेंगे हम लोग, और सॉलिड कैसे अरेंज्ड हैं, ठीक है। जैसे दीवार अगर हमारा बना है तो ब्रिक से बना है, अब ब्रिक को हम क्यों यूं ही तो नहीं रख देंगे कि यहाँ पे रख दिया और उसके ऊपर रख दिया, ऐसे रख दिया ब्रिक बन जाएगा, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? उसी तरीके से जब सॉलिड्स बना है तो पार्टिकल का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वो जुड़े होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। तीसरे टॉपिक ये, चौथा और लास्ट कह सकते हैं एक तरीके से कि लेट अस सपोज करो कि 4 ब्रिक्स इस तरीके से रखे गए, 5वें ब्रिक से पहले वहाँ पे कुछ एक अनदर मटेरियल रख दिया गया, तो क्या इस दीवार में पूरी तरीके से ब्रिक रहेगा? एक सब्सटेंस क्या कह सकते हैं, एक फॉरेन सब्सटेंस कह सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या आ गया, हमारे इम्प्यूरिटी आ गई। उसी तरीके से लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है कि जब सॉलिड्स में इम्प्यूरिटी होगा तो कितने टाइप का होगा और उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे क्लास में, आज नहीं जब वो टॉपिक पढ़ा रहे होंगे तब, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना, सबसे पहला सॉलिड स्टेट, ठीक।
तो नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, पहले पूरा ओरली बोल के समझा रहा हूँ आपको, फिर प्रोजेक्टर से पूरा डिस्प्ले करके यहीं से याद करोगे तब जाना है पूरा, ठीक है। और प्रैक्टिकल दो चीज़ें हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा अभी क्लास में आपको, ठीक। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि सॉलिड स्टेट हमारा है क्या। देखो सॉलिड इसे हमारा सबसे अच्छा, कोई बताए बेटा क्या है सॉलिड स्टेट, सॉलिड क्या है ये आप बताइए, सॉलिड हाउ विल यू डिफाइन द सॉलिड। चलो सही है, आप बताइए बेटा, ठीक है सही है, यू से ठीक है सही है, विल यू ट्राई, हाँ ठीक है लगभग शायद आपने इसे कोई कहा, ठीक है सही, गलत नहीं, अच्छा यू से बेटा, लगभग सेम आंसर आ रहा है, हाँ आप लोग ठीक है, कोई मुझे डिफरेंस बताए, हाँ मैं सो आप बताइए, शुभम हाँ ठीक है सही है, ठीक है अथर्व, हाँ नॉन कंप्रेसिव दो बता दें, हार्ड एक बताया वो एक नया है सही है, ठीक है विल यू ट्राई, इंतजार रहेगा हमको कि शायद अक्टूबर नवंबर तक नो सर कभी यस सर में बदले। देखो बेटा आप सब ने एक पॉइंट मिस कर दिया, लेट अस सपोज, ठीक है अब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, किसी ने मुझसे पूछा डायरेक्ट कि राहुल विश्वकर्मा कौन है, आई सेड ओनली सी ही सिटिंग इन अ क्लास, ही सिटिंग इन द P12 हम लोग के स्कूल में, P102 एक रूम का नंबर था, ठीक है प्रणव पीठ था तो ऐसे नंबर लिखा हुआ था, ठीक बताओ ये मेरा बताने का जो इंट्रोड्यूस करने का तरीका था उस प्रश्न का वो सही था या गलत, हिंदी में बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, रैंडमली आई वॉज गोइंग थ्रू एग्जामिनेशन सेल, उससे रैंडमली किसी ने पूछा राहुल विश्वकर्मा कौन है, मैंने बताया ही इज सिटिंग इन द प्रणव पीठ 102 यानी P102 रूम नंबर, ऑफकोर्स गलत, ये पूरी तरीके से गलत है, मुझे आई शुड हैव सेड दैट राहुल विश्वकर्मा इज अ क्लास 12th स्टूडेंट सिटिंग इन अ P102, समझ में आया कि नहीं। उसी तरीके से जब मैंने सॉलिड पूछा क्या है तो आप सब प्रॉपर्टीज बताने लगे, आपने तो ये बताया ही नहीं कि सॉलिड है क्या, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तो सबसे पहला लाइन यही होना चाहिए था कि सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच हैव द प्रॉपर्टी इनकॉम्प्रेसिबिलिटी विच हैव नो इंटरमोलिकुलर स्पेस विच इज अ हार्ड इन नेचर, ये सब चीज़ें आपको फिर बताना चाहिए था, समझ में आई बात, फिर से पहली लाइन याद करते बेटा, सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज दैट आई एम गोइंग टू राइट, क्या है सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो आप लोग बताओ, देखो अच्छा रुक जाओ वो भी इस तरीके से नहीं, मैं प्रॉपर्टीज को देखो कुछ इस वे में लिखूंगा कि आप पहला प्रॉपर्टीज याद करोगे आपको दूसरा लर्न हो जाएगा, दूसरा लर्न करोगे तीसरा लर्न हो जाएगा और पहला छोड़ दोगे तो एक भी लर्न नहीं होगा सबसे पहला बेटा देखो सॉलिड्स में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस क्या होते हैं आपके मिनिमम, या कह सकते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है आपका नेग्लेजिबल होता है आपका, ठीक है लिखते चलना साथ पे, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा बेटा आपका, जैसे लिख रहे हैं कॉपी बोर्ड पे एकदम सेम वही लिखना इंटर, अच्छा रुक जा मत लिखो, रुक जा मैं पूरा लिख रहा हूँ पांचों पॉइंट फिर लिखना आप लोग, ठीक है सॉलिड्स में क्या होगा बेटा हमारा इंटर पार्टिकल स्पेसेस क्या होगा नेग्लेजिबल या तो मिनिमम कह सकते हैं, ठीक। अब देखो अगर पार्टिकल्स के बीच में बेटा हमारा जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है या नेग्लेजिबल है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ऑफ कोर्स स्ट्रांग। अब मान लो जिसको समझ में आ रहा है ये चीज तो ठीक है, वो डायरेक्ट कह दे रहा सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, अब जिसको नहीं पता वो इस चीज को कैसे लर्न करे, डज एनीवन प्रेजेंट एवर हियर इन द क्लास हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ दे आर हाउ सम ऑफ यू आर सेइंग दैट इफ द इंटर पार्टिकल स्पेस इज नेग्लेजिबल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, इज देयर एनीवन, कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझ पा रहा है कि ये नेग्लिजिबल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम कैसे हुआ, पूछ लो ये आपकी अपनी क्लास है, ठीक है। चलो देखो मैं इस चीज को फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से भी बताता हूं और जो तुम लोग 11th में करते हो उसके हेल्प से भी बता देंगे, ठीक है। देखो बेटा आपने ये पढ़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा आपका घटेगा, और डिस्टेंस घट रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो सॉलिड में यही तो हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है बेटा मिनिमम होते जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आपका मैक्सिमम होता चला चल जाएगा, ये क्लियर, ठीक। अब एग्जांपल अपने आप से भी ले लो, सुबह वहाँ बैठा है, अब मान लो इनको उठा के मैं यहाँ बैठा दूँ,
ठीक है, या उनके बगल में कोई बैठा है, बात कर पाएंगे? करेंगे, इतना कहाँ कोई सीधा है, कम कर पाएंगे, कम करेंगे कि नहीं? अब वहीं पे बैठा देंगे तो हम जैसे ही नेग्लिजिबल का एन लिखने से पहले वन लिखेंगे तभी इधर मुंह घूम जाएगा, ठीक है? तो बस सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हुआ कि अगर ये है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आपका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा यहां पे आपका? मैक्सिमम। चलो तो देखो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये बताओ फिर क्या सॉलिड के पार्टिकल्स एक स्पेस को छोड़ के दूसरे स्पेस में जा सकते हैं? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये हम लोग का सपोज करो सॉलिड है, ठीक है, पार्टिकल्स है, इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है बेटा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इनके बीच में उसके इसका मतलब कि ये पार्टिकल ये इस स्पेस को छोड़ के क्या यहाँ जा पाएगा? ऑफकोर्स नॉट। इसका मतलब वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके नहीं जा पाएगा, और जो सब्सटेंस नहीं फ्लो कर पाएगा उसको क्या कहेंगे? नॉन फ्लूइड। और जो नॉन फ्लूइड है क्या उसको मैं रिजिड भी कह सकता हूँ? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको याद आ गया कि सॉलिड्स को हम क्या कह सकते हैं बेटा? रिजिड। सॉलिड्स रिजिड सब्सटेंस ऑल्सो, सॉलिड्स हमारे रिजिड भी हो सकते हैं, ठीक। चलो अगर सॉलिड रिजिड है यानी पार्टिकल एकदम कॉम्पैक्ट है, पार्टिकल एकदम हमारे कॉम्पैक्ट है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो क्या इसको हम कंप्रेस कर पाएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इसमें, आई कैन नॉट कंप्रेस इट। इसका मतलब चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई बेटा, सॉलिड्स आर, सॉलिड्स हमारे क्या हो गए? इनकॉम्प्रेसिबल। आओ फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं। अच्छा, अगर सॉलिड्स हमारे इनकॉम्प्रेसिबल है तो उसको चाहे हम अपने बैग में रख दें, ठीक है, या टेबल पे रखा हो या कहीं और भी रखा हो, क्या उसका शेप चेंज होगा? इसका मतलब सॉलिड विल ऑलवेज गेन इट्स शेप, ठीक है, या कह सकते हैं कि इट्स विल रिटेन इट्स शेप। इसका जो शेप है बेटा वो क्या रहेगा हमारे साथ? रिटेन उसी तरीके से रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कि आप इतना ज़्यादा फोर्स उस पर ना लगाओ कि उसका सेप ही कह सकते हैं कि डिफॉर्म हो जाए, मतलब वो सब्सटेंस ही डिफॉर्म हो जाए। ये बात सही है कि मार्कर हम लोग का सॉलिड स्टेट है, अब इस पर मैं हैमर से अटैक करूँ तो बात अलग है, नो लॉन्गर इट विल बी मार्कर, फिर तो मार्कर ही वो एक प्लास्टिक का कह सकते हैं, एक सब्सटेंस हमारे पास हो जाएगा, डन। छठवीं बात, अच्छा इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये पार्टिकल्स एक स्पेस को छोड़ के दूसरे स्पेस जा भी नहीं पाएगा, ठीक है। इसका मतलब बेटा कि अब डस्टर हमारे पास ये सॉलिड स्टेट है, अभी मैं बेंच पे डस्टर को यहाँ पे रख रहा हूँ तो डस्टर ने इतना स्पेस, चलो यहीं पे मैं करके दिखा रहा हूँ, मैंने डस्टर यहाँ पे रखा बेटा, तो लेट अस सपोज डस्टर हमारा इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या दो दिन बाद डस्टर थोड़ा बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? ठीक है, और जब हम स्पेस ऑक्यूपाई की बात कर रहे हैं इसका मतलब मैं किस टर्म की बात कर रहा हूँ? वॉल्यूम, ठीक है, आप 8th क्लास में ही पढ़े होंगे डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, कैपेसिटी या स्पेस ऑक्यूपाइड। इसका मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है बेटा कि इनका जो वॉल्यूम रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, या कह सकते हैं कि फिक्स रहेगा, वॉल्यूम हमारा हमेशा क्या रहेगा बेटा? फिक्स रहेगा सॉलिड्स के केस में, गॉट इट? इतने पॉइंट हमें क्लियर हो गए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं सेवेंथ पॉइंट। देखो सेवेंथ पॉइंट हमारा क्या है, जब इनका वॉल्यूम फिक्स है, मैंने कहा था अभी देखो आपको दिखाऊंगा कोरिलेशन दिखाएंगे कि हर एक पॉइंट एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है। जब इनका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, और सॉलिड है तो पार्टिकल्स क्या है काफी पास पास है, तो इनका मास भी क्या होगा? ज्यादा होगा, हाँ मास भी ज्यादा होगा, वॉल्यूम भी ज्यादा, मास भी ज्यादा, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू जिसको कहते हैं डेंसिटी वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब सॉलिड्स की डेंसिटी भी क्या होगी बेटा आपका? मैक्सिमम होगी हमारी, गॉट इट? सॉलिड्स की क्या होगी, खोल क्या क्या, ठीक है, सॉलिड्स की डेंसिटी भी हमारी क्या होगी बेटा? मैक्सिमम। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज रही हमारी, ठीक है, सॉलिड्स के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टीज है, और भी कई प्रॉपर्टीज है, ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए इतना एनफ है हम लोग के पास। अब देखो कैसे कोरिलेटेड है, आप सिर्फ ये याद रखो, देखो सब याद आ जाएगा। इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है? नेग्लेजिबल, मिनिमम। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो क्या उसको आप कंप्रेस कर पाओगे? नहीं कंप्रेस कर, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। अगर मूव नहीं कर पाएंगे इसका मतलब वो क्या है? रिजिड है, वो नॉन फ्लूइड है, उनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। अगर दूसरा एक चीज और बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो वो हमारे क्या होंगे? इनकॉम्प्रेसिबल। उस अगर इनकॉम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल है इसका मतलब उसका शेप वही रहेगा, शेप वही रहेगा, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, इट डज मीन इसका वॉल्यूम क्या रहेगा आपका? फिक्स रहेगा। अच्छा वॉल्यूम फिक्स है, मास के बारे में हम जान गए, दोनों को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा आपको? डेंसिटी, सॉलिड्स की डेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी। समझ में आई सॉलिड्स की? ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो क्लास 9th में पढ़ाता हूँ इतना, अब इसको यूं ही लिखो। डेंसिटी के एसआई यूनिट
चलो इसी, हाँ बेटा डेंसिटी कैसा यूनिट, डेंसिटी कैसा यूनिट, क्या बात है, सही बात है बेटा, मतलब ये रो तुम इसलिए, हाँ बताइए बेटा डेंसिटी कैसा यूनिट। यस सब वाई वाई के क्वेश्चंस हैं, ट्वेल्थ का नहीं टेंथ का, डेंसिटी कैसा यूनिट, रो बोल रहे हो या नो बोल रहे हो, अच्छा नो बोले हो, डेंसिटी कैसा यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट स्टडी करो बेटा टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है टाइप्स ऑफ सॉलिड, देखो सॉलिड्स के जो टाइप्स हैं दो बेसिकली टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका जो टाइप होता है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबसे पहला टाइप है बेटा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड देन सेकेंड वन आपका टाइप आता है बेटा एमॉर्फस सॉलिड, लिख लो। चलो तो अब समझते बेटा हम लोग बारी बारी कि क्या होता है हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग का क्या है। मैंने जैसा कहा कि हम लोग दो बार पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे पूरा बता रहा हूँ, फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर आपको एक एक पॉइंट वाइज फिर वो भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्रिस्टलाइन, जितना यहाँ पे याद हो जा रहा है ठीक है, उसके बाद पूरा हम लोग प्रोजेक्टर के फिर दोबारा देखेंगे। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऐसे सपोज करो कि उसमें, अच्छा सपोज क्या है उसकी प्रॉपर्टीज के साथ ही मैं स्टार्ट करूँ बेटा, ये भी सॉलिड का ही हम लोग का क्या है एक टाइप है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनका एक रेगुलर या कह सकते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वो अरेंज होंगे। तो सबसे पहली पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि उसमें जो पार्टिकल्स होंगे बेटा उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, ठीक है, एक वो स्पेसिफिक ऑर्डर में प्रेजेंट होंगे, लिखना नहीं है ये सब, ठीक है, सिर्फ याद करो, खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। पार्टिकल्स जो होंगे इसमें इनका क्या होगा एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा। मैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि हमारे पास इस तरीके से सॉलिड है बेटा, कुछ इसके ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस ये प्रेजेंट ये है, देखिए हम कह सकते हैं क्योंकि लेट अस सपोज दीज आर द पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ सॉरी आप स्पेस देख पा रहे हो, कोई भी स्पेस है यानी फोर स्पेस क्या बेटा मिनिमम, अगर स्पेस मिनिमम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इसका मतलब ये क्या हम लोग का सॉलिड है, ठीक है। अब इसी के तुलना में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक दूसरा फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ ऐसा, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो बेटा, देखो देर इज ऑल्सो नो एनी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स बट देर इज ए नो स्पेसिफिक अरेंजमेंट, या क्या यहाँ पे आपको कोई एक ऑर्डर दिख रहा है स्पेसिफिक, पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर रखे हैं, सो दिस इज अ टाइप ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, ये आपका क्या है एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। रटो मत, देखो एक एक पॉइंट याद करके जाओगे, थोड़ा सा अगर सिंसियर होकर क्लास में प्रेजेंट रहोगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि पार्टिकल्स का क्या रहेगा बेटा, एक स्पेसिफिक ऑर्डर एक स्पेसिफिक वे में वो अरेंज रहेंगे, ठीक। अब देखो मैं क्या कर रहा बेटा, यहां से मैं मार्कर से लेके क्या सपोज करो एक प्लेन सीट को मैंने पास करा इस लेयर से, यू विल ऑब्टेन एज मच एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द लेयर ए एज वेल एज द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द लेयर बी, बट इफ आई विल कैरी ऑन डूइंग द सेम विद दिस पार्ट इन दिस एमॉर्फस सॉलिड, एम आई गोइंग टू गेट द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन बोथ द साइड ऑफ द नंबर लाइन, ऑफ कोर्स नॉट। इसका मतलब अगर इसको हम कट करते हैं किसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो तब आपको एक स्मूथ सरफेस मिलेगा, आपको एक रेगुलर पैटर्न मिलेगा, बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी याद रहेगा। सेकेंड वन, दूसरा देखो बेटा, दूसरा प्रॉपर्टी जो हम लोग का होगा वो एक टर्म से रिलेटेड है, तो पहले वो टर्म मैं आपको समझाता हूँ, वो टर्म क्या है। देखो टर्म हमारे दो है एक्चुअली बेटा, इसमें एक हम लोग का टर्म होता है बेटा आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, और दूसरा होता है एन आइसोट्रॉपिक। डज एनी वन नो अबाउट दिस, कोई जानता है इसके बारे में? चलो आइसो देखो, लेकिन आप पहले से थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हो, आइसोटोप्स आइसोबार्स आइसोटोन्स ये सब पढ़े हो ना, तो आइसो वर्ड का मतलब ही होता है बेटा सेम, ठीक है। और ट्रॉपिक का क्या मतलब, ट्रॉपिकल सरफेस पे, ट्रॉपिक का मतलब क्या है भाई, आप ज्योग्राफी में कई बार पढ़े होंगे ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो यानी सरफेस की बात हो रही है। देखो
आइसोट्रोपिक कहने का ये मतलब कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया, ठीक है, अब इस पॉइंट के आसपास जो भी रीजन है, जो पार्टिकल हमें यहाँ मिले वही पार्टिकल हमें यहाँ मिलेगा, सेम पार्टिकल आई एम गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस डायरेक्शन एज वेल एज इन दिस डायरेक्शन। तो मैं कह दूंगा बेटा कि ये आपका जो सब्सटेंस है यहाँ पे ये कैसा है आपका, आइसोट्रोपिक इन नेचर। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे पार्टिकल सपोज करो आपको कार्बन एटम मिल रहा है, यहाँ पे कुछ और मिल रहा है आपको, यहाँ कुछ और डिफरेंट सब्सटेंस मिल रहा है, देन यू विल से दैट इट्स अ एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये तो रही बात समझने वाली, अगर एग्जाम में आ तो हम लिखेंगे कैसे, तब के लिए सुनो उसको लिखोगे कैसे। एन आइसोट्रोपिक नेचर, एन आइसोट्रोपिक इज अ सब्सटेंस विच हैव द डिफरेंट, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, विच हैव द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंसेज इन विच द प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ETC आर द डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब मार्कर की हेल्प से समझो, सपोज करो बेटा मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क किया, इस पॉइंट पे मैंने क्या क्या कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थर्मल कंडक्टिविटी, तीन प्रॉपर्टीज को सपोज करो मैंने यहाँ पे मेजर किया इस पॉइंट पे, ठीक। अब मैंने सेम चीज़ यहाँ पे मेजर किया, आई फाउंड इट टू बी द डिफरेंट, मैंने इसको पाया कि ये क्या प्रॉपर्टीज डिफरेंट, जबकि सब्सटेंस तो सेम है, वही सॉलिड है, तो उस केस में बोलेंगे दिस इज एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंस, गॉट इट। लेकिन अगर वहीं पे यहाँ पे वैल्यूज सभी सेम आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। क्लियर है बात। चलो अब ये बताओ बेटा इसमें जो पार्टिकल का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, ठीक है, अच्छा मैं एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज और इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो यू आर गिवन विद द सब्सटेंस NaCl, ठीक है, तो एक Na प्लस यहाँ Cl माइनस यहाँ, फिर क्या होगा, एक Na प्लस आपके पास यहाँ मिलेगा बेटा, एक Cl माइनस आपको यहाँ पे मिलेगा, सिमिलरली यहाँ पे एक Cl माइनस मिलेगा, एक Na प्लस यहाँ मिलेगा, फिर Cl माइनस यहाँ मिलेगा, Na प्लस यहाँ मिलेगा, देख पा रहे हो। अब इसमें आप कहीं भी बीच में एक पॉइंट डाल दोगे आपको हर तरफ पार्टिकल्स क्या मिल जाएंगे, डिफरेंट। इसका मतलब जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे सभी के सभी आपके कैसे होंगे बेटा, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। वहीं जितने भी आपके ये एमॉर्फस सॉलिड होंगे वो सभी क्या होंगे आपके, आइसोट्रोपिक इन नेचर, मतलब उसके किसी भी प्रॉपर्टी किसी भी एंड पे आप जाओगे आपको सारी प्रॉपर्टीज क्या मिलने वाली है, सेम ही मिलने वाली है, गॉट इट। ये प्रॉपर्टीज हमको समझ में आ गई। नेक्स्ट उसके बाद इसका एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ बेटा कि देखो एक्चुअली जो एमॉर्फस सॉलिड होता है इसको कैसे समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों है सुपर कूल्ड, इसके पहले एक एग्जांपल बताता हूँ, आपके NCERT और सभी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये चीज़। देखो आप जो भी पुरानी बिल्डिंग वगैरह देखे होगे तो उसका जो विंडो होता है बेटा जो उसमें ग्लास लगे होते हैं वो कह सकते हैं कि फेड हो जाता है, धुंधला हो जाता है, ठीक है, या मिल्की अपीयरेंस हो जाता है उसका। देखो ऐसा होता क्यों है कि कंटिन्यूस हीट के कारण, टेम्परेचर चेंज के कारण वो जो सॉलिड होता है वो मेल्ट करता है। पहले जो आपका ग्लास रहता है बेटा वो किस में प्रेजेंट रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में वो होता है, लेकिन जैसे जैसे वो कंटिन्यूस हीटिंग उसकी होती है और फिर टेम्परेचर डाउन होता है, फिर हीटिंग होता है क्योंकि काफ़ी टाइम से लगा हुआ होता है, फिर हीट होता है, फिर डाउन होता है टेम्परेचर, तो उसके कारण से वो एमॉर्फस में बदल जाता है जिसको कि हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। और आप जानते हो कि लिक्विड का टेंडेंसी क्या है बेटा, टू फ्लो, लिक्विड्स हमारे क्या है, फ्लुइडिटी उनके अंदर, तो ऊपर के जो सब्सटेंस है थोड़ा सा वो फ्लो करके नीचे चले आते हैं, ठीक है। इसी वजह से नीचे का सरफेस आप पुरानी बिल्डिंगों में देखोगे तो उसका जो ग्लास जैसे ये है तो नीचे का सेक्शन थोड़ा सा मोटा हो जाता है, यही कारण है, ठीक है। तो ये बात रही हमारी किसकी, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। 10 मिनट बाद आओ प्लीज, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के ये हमारे प्रॉपर्टीज। अच्छा आओ शांति बैठो वहीं पे, ठीक है, समझ में आई इतनी बात, इसको लिखिए आप लोग तुरंत, और फिर टाइम नहीं हम लोग के पास, फिर तुरंत मैं प्रोजेक्टर से आपको सारी चीज़ें डेमोस्ट्रेट करूँ, प्रैक्टिकल दिखाना भी। तो वो मोबाइल दे, तो मोबाइल दो मुझे। सॉलिड इज ए सेट टू सब्सटेंस, ठीक है, जिस जो आप अंडरलाइन किया हुआ है वही पॉइंट पढ़ना, इसलिए जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर अगर रहेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, रूम टेम्परेचर के अबव रहेगा। अगर क्लास 9 का वही डेफिनेशन सेम अगर आप फिर से बताओगे कि सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिजिड है, हार्ड है, ठीक है, सही है, बट इट्स नॉट इफेक्टिव अप टू द लेवल ऑफ क्लास 12, ठीक है। 12th के लेवल पे थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना हो तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो नॉर्मल प्रेशर पे जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा।
ठीक। नेक्स्ट नीचे देखो बेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला रिजिड होगा, डेफिनेट शेप होगा, देखिए इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ उसमें क्या होंगे, स्ट्रांग होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, सॉलिड्स मेंटेन दियर वॉल्यूम, इसका मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। इनकॉम्प्रेसिबल होंगे, डेंसिटी उनकी हाई होगी, ऑसिलेट अबाउट दियर मीन पोजिशन, ठीक है। ये बात कहना सही है कि सॉलिड अपना पोजीशन नहीं चेंज करते हैं, बट पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह लिटिल बिट ऑसिलेशन वहाँ पे होती है। अगला देखिए क्या बेटा, सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल फ्लुइडिटी, उनके अंदर फ्लुइडिटी न के बराबर है। नेग्लिजिबल मतलब न के बराबर, देखो कोई भी चीज़ डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि 100% नेग्लिजिबल है, इसी वजह से सॉरी होता ही नहीं है फ्लुइडिटी, इस वजह से हम उसको नेग्लिजिबल वर्ड के साथ रिलेट करते हैं। डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेज इज नेग्लिजिबल, हाँ ये पॉइंट देखो मुझसे छूट गया था। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल्स, अब ऐसा नहीं है कि डस्टर बेंच पे रखा हुआ है तो बेंच के कुछ पार्टिकल डस्टर में चले जाएंगे, एनी नो एनी सच टाइप ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू टेक प्लेस। इसका मतलब सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होगा। दे डू नॉट हैव ट्रांसलेटरी मोशन, आप पहले से जानते होंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो अब इस चीज सब चीज़ को मिला के देखो आप सॉलिड को कैसे डिफाइन करोगे, लिखो मत, पहले देख लो ध्यान से बोर्ड पे। सॉलिड में बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट, तुम यहाँ से करोगे सुबह, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बस यहाँ से बेटा नीचे करते जाए, कर्सर वहीं पे है, ये यहाँ पे, इसे जब कहूँगा तब, जब कहूँगा तब। चलो देखो, तो सॉलिड हम लोग इन सब चीज़ों को मिला के देखो आप सॉलिड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो बेटा, आपके सॉलिड में भी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, वो क्लोजली पैक्ड होंगे और डेफिनेट शेप एज वेल एज उनका क्या होगा बेटा, हम लोग का डेफिनेट वॉल्यूम होगा हम लोग का। देखो नोट पॉइंट पे हमने क्या लिखा वहाँ पे कि जो टेम्परेचर बेटा जिसमें हम लोग का द टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स मेल्ट अंडर द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। क्लास नाइन्थ में तो मैंने देखा, ट्वेल्थ में तो ये चीज़ नहीं देखा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि मेल्टिंग पॉइंट हम लोग का होता क्या है। देखो जब मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता तो आप डायरेक्ट ये बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज अ पॉइंट, मैंने 10-15 कॉपी में ऐसा देख लिया, कॉपी चेक करता नाइन्थ में देखता, आप ट्वेल्थ में पता नहीं आप लिखते हो कि नहीं, ऐसा मेल्टिंग पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है, वो एक क्या है बेटा आपका, एक टेम्परेचर है स्पेसिफिक, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, स्क्रॉल करो आगे। ऊपर करो, चलो अब क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स बेटा, ये इस पेज पे आ बेटा, और ऊपर करो थोड़ा सा, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, ये टॉपिक ठीक है, हो सकता है गलती, क्या हुआ उसमें, हंसने वाली कौन सी बात है। चलो देखो बेटा, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू टाइप्स, पहला क्या हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा क्या बेटा हम लोग का अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो ये टाइप्स तुम लोग को पता है, और इनके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, प्रॉपर्टीज दिखाओ और ऊपर करो और ऊपर, मतलब ये नेक्स्ट पेज पे आओ, देखो दीज आर द सॉलिड, देखो मैंने बताया था बेटा इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या मतलब है आपका, एटम्स आयंस या तो मॉलिक्यूल्स, उनका क्या होगा देखो रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट। ये नोट्स इसी फॉर्म में इसलिए बनाया हूँ कि आप चाहो तो एक घंटे भी नहीं, आधे घंटे में चैप्टर्स आराम से, अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड ये पढ़ लिया डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हो बेटा रेगुलरली ऑर्डरली अरेंजमेंट, बाकी ऊपर की चीज़ें आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद इसमें क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहेगा, ऑल्सो नोन एज अ ट्रू सॉलिड, इनको ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, जो पार्टिकल बना के एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट पे आओ बेटा, एमॉर्फस करो, ठीक है करो आराम से। देखो ये जो NaCl का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, देखो ये किसका एग्जाम्पल है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। एमॉर्फस में देखो बेटा, एमॉर्फस का मीनिंग ये होता है नो फॉर्म, मतलब उसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, किसी भी रैंडम फॉर्म में अरेंज होंगे पार्टिकल्स। और ऊपर स्क्रॉल करो, ठीक है, डू नॉट पजेजेस द, ऊपर बेटा नेक्स्ट पेज पे, डू नॉट पजेजेस द रेगुलर अरेंजमेंट थ्रू आउट, इसमें क्या होता है बेटा आपका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है पार्टिकल का, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। और ऊपर करो, स्क्रॉल करो और ऊपर करो, ठीक है।
अब इसमें देखो हमने क्या बताया, दे हैव द इररेगुलर शेप, उनका शेप क्या होगा आपका इररेगुलर होगा, दे हैव द शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जैसे आपके क्रिस्टलाइन में क्या था रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट था, यहाँ पे रेगुलरली ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। ये देखो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आज की क्लास में मैं क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा, क्वेश्चंस का पीडीएफ मेरे पास अलग है, वो कल मैं कराऊंगा। ग्लास, रबर, स्टार्च, प्लास्टिक, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एमॉर्फस। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगा। और एमॉर्फस सॉलिड से बेटा, तो कैन वी से दैट, क्या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ये सब हमारे ट्रू सॉलिड नहीं है? अगर ट्रू सॉलिड नहीं है तो क्या मैं इनको स्यूडो सॉलिड कह सकता हूँ? स्यूडो का मतलब फाल्स होता है, ठीक है, तो इनको हम लोग स्यूडो सॉलिड भी कह सकते हैं। किसको? एमॉर्फस सॉलिड को। जल्दी स्क्रॉल करो बेटा, डेमोन्स्ट्रेट करना है, जल्दी करो कुछ एग्जांपल। और इसीलिए इनको क्या कहते हैं बेटा, देखो सुपर कूल लिक्विड्स, जो मैंने आपको ग्लास का एग्जांपल देके बताया था। देखो ये लिखा है, ग्लास पैनल्स फिट इन द विंडोज गेट थिक एट द बॉटम, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड। ये बात थी आपके किसके बारे में, एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। और इनके उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में कैटेगराइज करके देख लेते हैं। ऊपर करो, ये डिफरेंस देखो, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया, और पूरा करो बेटा, पूरा करो। डिफरेंस देखो बताया था, रेगुलर अरेंजमेंट होगा किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। शेप क्या होगा? फिक्स होगा। क्या कहेंगे उनको? ट्रू सॉलिड कहेंगे। नेचर कैसा होगा? एन आइसोट्रॉपिक, ध्यान से देखिए, एन आइसोट्रॉपिक नेचर का होगा। और ऊपर करो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, और पूरा करो सिक्स ऊपर। हाँ, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अगर NaCl आपके पास प्रेजेंट है बेटा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने घर के ले जाऊंगा तो कुछ चेंज हो जाएगा, या आप अपने इस घर के बर्नर पे करोगे तो चेंज होगा। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स रहेगा और शार्प रहेगा वो। नेक्स्ट उसकी क्या बेटा, डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, आपका होमवर्क है, पता करके रखना। एग्जाम्पल देखो, आपके सामने लिखा NaCl, ZN, ये सब, ठीक है। क्या अच्छा, गेट्स क्लीन क्लीवेज वेन कट, ये भी करके दिखाऊंगा बेटा। एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप कट करोगे तो क्लीन क्लीवेज आपको मिलेगा। मतलब अगर जैसे आपके पास अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आप इसको कट करते हो तो आपको पूरी तरीके से इस सरफेस जब कटेगा तो क्लीन दिखेगा, ठीक है, एक रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट दिखेगा। बट एमॉर्फस में ये चीज़ नहीं दिखेगा, वो मैं भी कोशिश करता हूँ कि करके दिखाऊँ आपको। एमॉर्फस पे जल्दी करो बेटा। इसमें क्या होगा बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा आपका। शेप कैसा होगा? इररेगुलर। इनको क्या कहेंगे हम लोग? स्यूडो सॉलिड। जैसे उसमें लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट था, इसमें क्या होगा हम लोग का? शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ये इसका नेचर कैसा होगा बेटा आपका? आइसोट्रॉपिक इन नेचर होगा। और जैसे वहां पे उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट था, यहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? एक सर्टेन रेंज होगा, ठीक है, उसी रेंज पे ही जाके वो मेल्ट करेगा। जैसे वहां पे रेगुलर क्लीवेज मिल रहा था, यहां पे आपको कैसा क्लीवेज मिलेगा बेटा? इररेगुलर क्लीवेज, कोई एकदम फिनिश्ड सरफेस आपको नहीं मिलेगा यहां पे। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होगा। एग्जांपल देख लो, जैसे ग्लास, रबर, पॉलीमर, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं एमॉर्फस सॉलिड्स के। नोट पॉइंट कर दो इसको, बस रुक जा, रुक जा बेटा, रुक जा, बस आप इसके नीचे नहीं करना। नेक्स्ट उसके बाद देखो, क्रिस्टलाइन जो भी स्टेट है बेटा आपका, उस वो हम लोग का क्या होता है, रिलेटिवली मोर स्टेबल। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरेटिवली? एमॉर्फस। क्यों? रीजन देखो, मैंने यहां पे अंडरलाइन किया, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए मैंने इसको नोट पॉइंट पे लिखा हुआ है। जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है बेटा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कम होती है, ठीक है। लेकिन आप यहां देखोगे तो आपको ये चीज नहीं लिखा है, ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ ए सॉलिड इज रिलेटिवली मोर स्टेबल देन द एमॉर्फस स्टेट बिकॉज गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस इन द एमॉर्फस स्टेट इज मोर। देख रहे हो, एमॉर्फस स्टेट में गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। तो क्या इस चीज को मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं कि क्रिस्टलाइन में कम है? बात वही है। क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला हमने? क्योंकि क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है इस पे, मैं कल कराऊंगा, इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, और जैसे लिखा है कॉपी में उस फॉर्म में भी आ सकता है। दूसरा, अब स्क्रॉल मत करना बेटा, यहीं पे एनफ, एंड यहीं पे। नेक्स्ट उसके बाद देखो बेटा, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि हम लोग का जो ग्लास पैनल है वो अब लोग का जब कंटिन्यूअस हीट होता है, फिर कूलिंग प्रोसेस होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमॉर्फस में। मतलब ये जो सॉलिड के दो स्टेट्स हैं आपके, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ये एक दूसरे से क्या है? इंटर कन्वर्टेबल। बोलिए, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ आपका एमॉर्फस किस में कन्वर्ट हो सकता है बेटा? क्रिस्टलाइन में। लेकिन क्रिस्टलाइन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एमॉर्फस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। लैपटॉप वहीं पे आप ऑन कर, ऑफ कर दो और लाइट्स ऑन करो, यार को मैं करता हूँ। सॉलिड स्टेट है बेटा ये, सॉलिड सब्सटेंस हम लोग के पास। शुभम चौक ही लग रहा है ना, है? देख रहे हो, अभी कौन पकड़ा गया बेटा? अमृतपाल सिंह, सुनोगे आप लोग? अच्छा, आप लोग न्यूज़ नहीं देखते हो,
अब इतनी खतरनाक बात क्लास में मत करो। दूसरा देखिए बेटा, सॉलिड है, चलो इसको हम लोग कट करके देखते हैं बेटा। अगर प्रॉपर पूरी तरीके से कट हो गया, अगर एक क्लीन सरफेस मिल रहा, इट डज मीन इट विल बी अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अदरवाइज इट विल बी अ, चलो करके देखते हैं। क्या आप क्लीन क्लीवेज हुआ? देखो सरफेस क्या बेटा इसका, देखो आप सरफेस ध्यान से देखोगे तो ऊपर नीचे सरफेस है, यानी रफ सरफेस है, क्लीन क्लीवेज नहीं हुआ। तो कैन आई कंसीडर दिस चौक एज एज अमॉर्फस सॉलिड? क्लियर हुआ ये? क्या बेटा मांग रहे हो, खाओगे क्या? नहीं, खाने वाला सब्सटेंस अगला है वो, लेकिन वो नहीं दूंगा। दूसरा देखो बेटा, मेरे पास ये क्या है, तुम लोग टीवी भी देखते ही नहीं हो बेटा, कुछ मीठा हो जाए। सैनिटाइजर नहीं लाया मैंने। लोगी बेटा? नहीं नहीं, तुम लोग नहीं समझे। वाई डिड आई आस्क हर लोगी? आई थॉट सी विल से एटलीस्ट दिस टाइम सी इज गोइंग टू से यस सर। अभी भी नहीं बोली। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, तुम्हें नहीं मिलने वाला है। हाँ इसीलिए ना बेटा तुम 5:50 पे आए हो। चलो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको कट करके देखते हैं, ठीक है? अगर कंप्लीटली हो गया, क्लीन क्लीवेज विल, इसका मतलब हम लोग का क्या होगा, क्रिस्टलाइन, अदरवाइज इट विल बी अ एमआरएफएस। देखो एक चीज़ पहले से बता दे रहा हूँ, ये मुझे लाते टाइम भी लग रहा था कि शायद लास्ट ईयर भी हमने किया था, मुझे ये चीज़ प्रॉपर लास्ट ईयर आ गया था क्योंकि घर पे क्लास ये चीज़ किया था। अभी इसलिए नहीं हो पाया, हो सकता है हो क्योंकि थोड़ा बहुत ये मेल्ट हो चुका, इसलिए मैं पहले से क्लास में नहीं रखा था कि क्योंकि हवा काफ़ी तेज चले तो मेल्ट हो सकता था, ठीक है? तो करके देखते हैं। देखो पहले ही टूट गया, हमको पता है, इसी वजह से मैंने इसके पहले वाले क्यूबिक सेल पे किया था, ठीक है? तो देखो क्या क्लीन क्लीवेज मिल रहा है बेटा यहाँ पे आपको। अगर ये डायरेक्ट आप फ्री से निकाल के आओगे तब तो तुरंत डायरेक्ट आपका ब्रिटलनेस नेचर होगा और वो तुरंत टूट जाएगा, क्लीन क्लीवेज आपको नहीं मिलने वाला। व्हाट डज इट मीन? ये आपका क्या बेटा, एमॉर्फस सॉलिड। अब देखो आपका होमवर्क, आप सुनो आपको क्या करना है टोटल, ठीक है? घर जाइए, कम से कम 5 ऐसे सब्सटेंसेस सिर्फ कॉपी पे लिख करके आना जो एमॉर्फस है, और 5 क्या है, क्रिस्टलाइन, जो आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल होता हो। लीजिए, ठीक है, समझ में आए? स्टॉप करो वहाँ से वीडियो।